रतलाम जिले के आलोट में खनन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद। खनिज अधिकारी एवं होमगार्ड सैनिकों से की धक्का मुक्की व जान से मारने का किया प्रयास। वहीं 3 जेसीबी चालक 2 जेसीबी छुड़ाकर भागे। भागने के दौरान हाथापाई में चालकों का मोबाइल वहीं गिर गया, जिसके आधार पर पुलिस तथा राजस्व विभाग ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई की गई। रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह जांच में गए अधिकारियों के दल पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें न तो प्रशासन का खौफ है और न ही पुलिस का। यहां पर सोमवार को दोपहर में जिला खनिज अधिकारी के दल पर धक्का मुक्की कर और एक होमगार्ड के सैनिक को जेसीबी से नीचे पटक कर वाहन चलाने का प्रयास कर भू माफिया जेसीबी ले जाने में सफल हो गए हैं। पुलिस ने 3 मोबाइल धारकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार जिला खनिज अधिकारी भावना सेकर 3 होमगार्ड सैनिकों के साथ रतलाम से प्राइवेट वाहन लेकर लक्ष्मीपुरा स्थित शिप्रा नदी पर अवैध खनन रोकने दोपहर में पहुंची। वहां पर जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा था, तो जेसीबी के साथ ही चालकों को भी पकड़ लिया गया और उन्हें होमगार्ड सैनिकों के साथ बैठाया गया। उसके बाद उन्हें आलोट थाने पर ले जाया जा रहा था, लेकिन लक्ष्मीपुरा आलोट के बीच दरगाह के पास कुछ लोग मोटरसाइकिलों से आ गए और आगे चल रही जेसीबी पर होमगार्ड सैनिक अनुराग चौहान को धक्का देकर नीचे गिराया और उन्हें जेसीबी के नीचे लेने का प्रयास किया, लेकिन पीछे चल रही 2 जेसीबी के होमगार्ड तुरंत जेसीबी से उतरकर अनुराग चौहान को बचाने पहुंचे। इतने में 2 जेसीबी चालक जेसीबी लेकर फरार हो गए। इस प्रकार तीनों चालक वहां से भाग निकले, लेकिन उनके मोबाइल होमगार्ड जवानों ने रख लिए थे। मोबाइल धारक 9144949604 व 9770244085 एवं 6264724489 के खिलाफ जिला खनिज अधिकारी भावना सेगर की रिपोर्ट पर शासकीय कार्य में बाधा तथा धक्का मुक्की का प्रकरण दर्ज किया है, जबकि होमगार्ड के सैनिक अनुराग चौहान नंबर 385 ने बताया कि जेसीबी जब्त कर खनिज अधिकारी ने हमको अलग अलग जेसीबी में बिठाया और आलोट थाने पर ले जाने को कहा। हमारा आगे खनिज अधिकारी की गाड़ी भी चल रही थी। आलोट के समीप दरगाह के पास मोटरसाइकिल पर करीब 20 लोग आए और मेरे साथ धक्का मुक्की कर मुझे नीचे धकेला और टायर चढ़ाने की भी कोशिश की। इससे मेरी टांग में चोट आई है। अगर पीछे चल रही जेसीबी में से होमगार्ड सैनिक कमलेश मुनिया नंबर 414, राजू पारगी नंबर 420 नहीं आते तो मेरे साथ कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। आलोट पुलिस को भी सूचना दी व मौके पर आलोट पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक सभी लोग वहां से भाग निकले थे। एक जेसीबी हमारे कब्जे में थी, उसको जब्त कर आलोट थाने लाए। लक्ष्मीपुरा के समीप स्थित शिप्रा नदी पर राजस्व विभाग के अमले ने 7 सितंबर 2017 को खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी और कई जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर आलोट थाने पर ले जा रहे थे। तभी इसी मार्ग पर तत्कालीन नायब तहसीलदार राम मिलास वक्तारिया एवं अन्य को चोटें पहुंची थी। एसडीएम के वाहन पर भी पथराव किया गया था। इससे यह पता चलता है कि आलोट में किस तरह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आलोट से संवाददाता दुर्गा शंकर पहाड़िया की रिपोर्ट। तो जेसीबी पकड़ने गए थे, जो चल रही थी नदी में, पकड़ के ला रहे थे रास्ते में। 3 जेसीबी पकड़ के लाए थे, तो 3 जवान अलग अलग एक जेसीबी में बैठे हुए थे। तो वो लोग धीरे धीरे करके उनकी गाड़ी ओवरटेक कर करके जेसीबी के आगे ले आए थे। करीब 15 से 20 आदमी हो गए थे और वो आगे वाली जेसीबी में आकर चढ़ गए। उसमें मैं बैठा हुआ था, तो मेरे को चढ़े गाड़ी चलती गाड़ी में चढ़ गए थे और धक्का मुक्की करी मेरे साथ में और मेरे को उठा के नीचे पटक दिया। बताते कि वाहन चलाने की भी कोशिश करी आप पर। पीछे वाले हमारे जवान थे, उन्होंने पीछे वाले जो जवान थे उन्होंने इनको जेसीबी रुकवा दी, तो मेरे ऊपर चढ़ा दिया। यानी कहीं ना कहीं प्राणघातक हमला किया गया आप लोगों पर। तो आलोट थाने से क्या आपको सहायता मिली? यहाँ से फिर हमने फोन लगाया तो यहाँ से थोड़ी देर से बल आ गया था।
तब जाके हमको एक जेसीबी पकड़ में। अभी आप कहाँ कहाँ के इष्ट थे, कहाँ कहाँ गए थे दबिश डालने? अभी हम वहीं गए थे बस, अभी नदी से आ रहे थे। कौन सी नदी? ये अपनी छिपरा नदी। कहाँ चोट आई आपके? मेरे को ये घुटने में चोट आई है और ये नीचे। कहाँ कहाँ का इससे हमला किया गया उन लोगों ने आपके ऊपर? उन लोगों ने पत्थर और थप्पड़ मुक्की से। हाँ, पत्थर और थप्पड़ मुक्की करी, धक्का मुक्की और पत्थर से हमला किया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुराग चौहान। कहाँ से? होमगार्ड सैनिक रतलाम। और आपके साथ अधिकारी कौन थे? मेरे साथ वो खनिज के मैडम है। क्या नाम उनका? भावना सिंह। ठीक। क्या था आज पूरा मामला जो आप जेसीबी लेके आ रहे थे, जब आपके साथ क्या हादसा हुआ, क्या है पूरी घटना? लक्ष्मीपुरा में 3 जेसीबी पकड़ी थी, तो उसमें से कुछ जो जेसीबी वाले थे उन्होंने 2 जेसीबी छुड़ा के भाग गए, और एक जेसीबी हमने थाने में रखी। किसी बीच उन्होंने मेरे जो गार्ड थे उनके से हम झूमा झटकी करी, और तो उन्होंने उसके खिलाफ शासकीय की कार्य में बाधा कर प्रकरण दर्ज करवाया। मैडम, लगभग कितने लोग होंगे आप जमा? वो तो मुश्किल है क्योंकि उस वक्त कंडीशन ऐसी हो रही थी कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा था। पर 2 लोग तो थे जो जेसीबी चालक थे, वो थे जिनमें मेरे गार्ड बैठे हुए थे, उन लोगों ने बदतमीजी करी, उन्होंने गार्ड को धक्का दिया, और एक अन्य व्यक्ति था, 3 लगभग 3 के करीब थे जी। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? FIR दर्ज करी है उनके खिलाफ। मैम, आपने 3 जेसीबी पकड़ी थी जिसमें से एक ही जेसीबी आई है, 2 जेसीबी का और था? 2 जेसीबी भाग गए वो लोग लेके। यानी कहीं ना कहीं मैडम प्राणघातक हमला किया गया आप लोगों को? नहीं, प्राणघातक तो नहीं बोल सकते हैं, पर यह है कि उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हमारी कार्रवाई असफल रहे, और कुछ हद तक वो संभव भी हो पाए अपने उसमें उद्देश्य में, पर तभी हमने एक जेसीबी पकड़ ली है जिससे हमें बाकी लोगों के विरुद्ध कौन कौन थे वो लोग शामिल जल्द ही पता चल जाएगा। क्या मैडम हालोड़ थाने द्वारा आपको कोई सहायता मिल पाई? बहुत सहयोग मिला, तुरंत ही मैंने TI सर को फ़ोन किया, उन्होंने फोर्स भेजा भी, और उन्हीं की मदद से हम जो 3री जेसीबी पकड़ पाए। मैम, मोबाइल भी जब्त हुए कुछ? हाँ, 3 मोबाइल जब्त हुए जो लोग झूमा झटकी कर रहे थे, उन्हीं लोगों के झूमा झटकी में। क्या मोबाइल वो ड्राइवरों के थे? हाँ, ड्राइवरों के थे। सुगना मैडम आपका? भावना सैंगर।